दोस्तों ये है बोया का BYMM1 सुपर कार्डियोइड शॉटगन माइक्रोफोन। मीन्स हम जिस साइड इसको फोकस करते हैं उसी साइड से ये ऑडियो को सही से कैप्चर करता है। और अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो और आगे जो इस वीडियो में आवाज़ आएगी वो भी इसी से रिकॉर्ड हुई होगी। कुछ कुछ जगह पे दूसरे माइक से भी रिकॉर्ड करेंगे कंपैरिजन के लिए। पर सबसे पहले इसकी क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में क्या क्या मिलता है। तो ये है इसका ब्लू और वाइट कलर का बॉक्स और यहाँ पर बॉक्स के पीछे की साइड में प्राइस लिखी है 2995, मगर ये 1500 के आसपास अमेजोन पे अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यहाँ पर इसको फटाफट से ओपन कर लेते हैं और अंदर स्टिकर मिलते हैं, यहाँ पर वारंटी कार्ड आपको मिल जाता है और यहाँ पर यूज़र मैनुअल लिख जाता है अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो और ये है इसका कोल्ड शू माउंट शॉक एब्जॉर्बर के साथ, इसको कहीं पे भी फिट करने के लिए। और ये केबल है स्मार्टफोन के साथ यूज़ करने के लिए, इसको बोलते हैं TRRS। और ये है DSLR के साथ यूज़ करने के लिए, इसको बोलते हैं TRS। और ये है क्वालिटी सर्टिफाइड और सिलिका जेल भी मिलता है। और ये जो पाउच है काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का है बोया का, इसको कैरी करने के लिए। लास्ट में ये माइक है, यहाँ पर देखिए चूहे जैसा, तो इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। और इसके ऊपर जो है विंडशील्ड लगी हुई आई है, इसको निकाल सकते हो आप इस तरह से रोटेट करके। और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है ये। और यहाँ पर बोया BYMM1 लिखा हुआ है। और इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ इसकी डिज़ाइन वगैरह कैसी है। यहाँ पर आगे से काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी मटेरियल लग रहा है मेरे को, ये काफ़ी प्रीमियम फील हो रहा है हाथ में। और पीछे की साइड में जो है 3.5mm जैक दिया गया है यहाँ पर। और इसको जो है अब कनेक्ट करेंगे हम लोग, इसको माउंट करेंगे और टेस्टिंग करते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी डायरेक्टली। तो अभी तक मैंने एक भी माइक्रोफोन इस स्मार्टफोन से कनेक्ट नहीं किया और ऑडियो जो है डायरेक्टली रिकॉर्ड हो रही है स्मार्टफोन के माइक्रोफोन से। और मैं इस वक्त इंडोर कंडीशन में बैठा हूँ, बल्कि ये जो रूम है एकदम शांत नहीं है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है बाहर और गाड़ियों की भी थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है। और इस वक्त मेरे और स्मार्टफोन के बीच में करीब करीब 1.5 से 2 फुट का डिस्टेंस है। और यहाँ पर अभी माइक्रोफोन की टेस्टिंग हम लोग करते हैं अलग अलग, तो पता चल जाएगा कि भाई माइक्रोफोन चेंज करने से कितना फ़र्क पड़ता है। तो अब जो है मैं बोया का ये जो माइक है इसको सीधा स्मार्टफोन के ऊपर ही लगा देता हूँ और देखते हैं ऑडियो कंडीशन। तो बोया BYMM1 मैंने कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर जो है ऑडियो का फोकस अब सीधा फ्रंट पे होना चाहिए, क्योंकि ये एक शॉटगन माइक है। और यहाँ पर विंडशील्ड भी लगी हुई है इसके ऊपर इस वक्त, तो विदाउट विंडशील्ड भी हम लोग ट्राई करते हैं इंडोर कंडीशन में। वैसे विंडशील्ड लगाना शायद से बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छे से ऑडियो आएगी। और अब जो है विंडशील्ड को भी एक बार हटा लेते हैं, फिर देखते हैं क्या कमाल दिखाता है ये माइक्रोफोन। तो विंडशील्ड हट चुकी है और अब जो है डायरेक्टली माइक पूरी तरह से ओपन है और डायरेक्ट ऑडियो रिकॉर्ड हो रही होगी। थोड़ी सी शार्प यहाँ पे होनी चाहिए क्योंकि विंडशील्ड से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ऑडियो क्वालिटी पे। तो अब इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे ये अपना बोया BYMM1 कॉलर माइक, जो कि हर एक कंटेंट क्रिएटर ने कभी ना कभी यूज़ किया होगा। और आजकल तो काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी मिलने लगा है ये वाला माइक्रोफोन, तो इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं क्या ऑडियो में डिफरेंस है। मुझे भी पता चलेगा जब वीडियो एडिट करूँगा तब, देखते हैं। तो अब जो है ये बोया BYMM1 की भी देख लेते हैं जो, और ये जो है कॉलर माइक है, तो जितना दूर आप इसको रखोगे उतनी ज़्यादा जो है ये बैकग्राउंड नॉइस कैप्चर करेगा, और जितना पास में लाते जाओगे उतना ज़्यादा नॉइस कैंसिलेशन इसमें काम करता है। तो यहाँ पर मैं इसको लगा लेता हूँ कॉलर पे और अब देखते हैं कि इसके अंदर कैसी ऑडियो क्वालिटी आती है। वैसे इंडोर वीडियोज़ शूट करने के लिए ये भी काफ़ी बेटर ऑप्शन रहता है यहाँ पर, और फिर भी हम लोग एक बार देखते हैं शॉटगन माइक और इसमें क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। इस वीडियो से हमें पता चलेगा, तो मैं भी अभी देखूंगा वीडियोस एडिट करते वक्त, तब मुझे ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि भाई क्या डिफरेंस है एक्चुअली में और किस तरह से इनको अलग अलग माइक्स को यूज़ किया जा सकता है। तो ये थी इंडोर कंडीशन में टेस्टिंग और जल्दी से हम लोग आउटडोर भी जाके टेस्टिंग कर लेते इसकी। इससे पहले आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कैसी लगी आपको ऑडियो क्वालिटी और कौन से माइक वगैरह ने अच्छा परफॉर्म किया। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक वगैरह भी कर दीजिए। और वैसे इसकी केबल की लेंथ आप देखिए 1 फुट के आसपास मिलती है, क्योंकि ये एक शॉटगन माइक है तो इतनी लेंथ काफ़ी है इसके लिए। और यहाँ पर चलिए अब बाहर चलते हैं थोड़ा। तो अब Mi 12 Pro में अभी 1080p 30fps पे अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कोई भी माइक्रोफोन वगैरह मैंने कनेक्ट नहीं किया इस पर, डायरेक्ट फ़ोन के अंदर का जो माइक है उसकी आपको आवाज़ आएगी। और वाह क्या मस्त, देखिए कितने सारे कबूतर। तो
तो यहाँ पे इस वक्त मैं टेरेस पे आया हूँ और यहाँ पे माइक्रोफोन मैंने फिट कर दिया है और इसके अंदर विंडशील्ड भी लगा दी है, हवा भी चल रही है काफ़ी अच्छी, बारिश का मौसम हो रखा है और देखते हैं कि कैसी इसके अंदर वीडियो बनती है। और अब जो है मैं थोड़ा दूर जाके देखूंगा और देखते हैं कितनी ज़्यादा ये आवाज़ कैप्चर कर पाता है। एकदम नॉर्मल आवाज़ में मैं बोल रहा हूँ, ज़ोर से भी नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं थोड़ा दूर जाता हूँ। थोड़ा आवाज़ आ रही है क्या? कितनी दूर से मैं बोल रहा हूँ और इसके अंदर कैसी आवाज़ आ रही है? धीरे धीरे पास में आता हूँ मैं और कितनी दूर से ये कैप्चर कर पा रहा है आवाज़, ये चेक कर लेते हैं हम लोग। और अगर हम लोग इसको कुछ इस तरह से यूज़ करें, वैसे यहाँ पर इस वक्त नीचे देखिए आपको दिखाता हूँ मैं, फुल टू फुल बहुत बिजी रोड है यहाँ पर। और हवा भी इस वक्त काफी सही चल रही है। Here's Blossom by Lucky Inspired on Amazon Music. तो यहाँ पर फिलहाल कोई भी माइक्रोफोन कनेक्टेड नहीं है, स्मार्टफोन से डायरेक्ट रिकॉर्ड हो रहा है और ये जो है सारी आवाज एकदम लाउडली कैप्चर करता है म्यूजिक की मेरी। तो अब माइक को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं शॉटगन माइक्रोफोन कैसे काम करता है। तो अब जो है माइक्रोफोन मैंने कनेक्ट कर दिया है और फोकस इस वक्त मेरी तरफ है और यहाँ पर म्यूजिक की आवाज़ बहुत कम हो गई होगी और अगर मैं इसको और पास में लेके आऊँगा तो और भी कम हो जाएगी और अच्छी ऑडियो इसमें आएगी। तो अब जैसे ही मैं इसका फोकस म्यूजिक की तरफ करता हूँ तो यहाँ पर देखिए अब मेरी आवाज़ एकदम कम हो गई और म्यूजिक की आवाज़ बढ़ जाएगी, क्योंकि फोकस किस तरफ रहेगा उस साइड की आवाज़ बहुत अच्छे से कैप्चर करेगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से ये काम करता है और कितना बेटर तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके जैसा एक और माइक भी आता है, बोया BY MM1+, जिसके लिए 1000 रुपये ज़्यादा देने पड़ते हैं। और दोनों में डिफरेंस कुछ ऐसा है कि उसमें एक हेडफोन जैक भी मिलता है एक्स्ट्रा और थोड़ा बहुत ऑडियो में भी डिफरेंस होगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। स्मार्टफोन यूजर्स के लिए मेरे हिसाब से बोया BY MM1 बेटर है और जो DSLR यूजर्स है उनको अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लेना चाहिए कि कौन सा माइक उनके DSLR के लिए कंपेटेबल है और क्या उनको वो हेडफोन जैक वाला फीचर चाहिए। वैसे मैं पर्सनली क्या यूज़ करता हूँ आपको बताता हूँ, जब माइक्रोफोन कनेक्टेड रहता है स्मार्टफोन के हेडफोन जैक से तो फिर जो है ब्लूटूथ हेडफोन्स या ब्लूटूथ ईयरफोन्स को यूज़ करता हूँ, जिससे कि ऑडियो मुझे सुनाई दे देती है और माइक्रोफोन से ऑडियो रिकॉर्ड भी हो जाती है, तो कोई भी हेडफोन जैक की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे। तो आप भी ट्राई करके देख सकते हो। तो अगर आपको ये माइक्रोफोन बाय करना है या फिर और भी स्पेक्स जानने तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स दे दूंगा जहां से आप इजीली चेक कर सकते हो। तो यार वीडियो को अब खत्म करते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक जरूर से करना, कमेंट जरूर से कर देना और सबसे इम्पोर्टेंट जो सब्सक्राइब वाला बटन है वो तो प्रेस हो ही जाना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा। We'll be right back.